स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता हूं। दोस्तों आज तक मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ नई नई शेयर किया है, और आज उसी में से एक और नई जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ। वो है अमेजोन का डिलीवरी पार्टनर कैसे बने, अमेजोन का फ्रेंचाइजी डिलीवरी के लिए कैसे ले। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी उसमें बहुत कुछ होता है और आप लोग देखते नहीं हो पूरा। इसके बाद आप लोगों का सवालों का एक अंबार लगता है और हर सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर सवाल सेम है और वो वीडियो में अवेलेबल हो। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन और बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको अमेजोन का डिलीवरी पार्टनर बनना है, उसका फ्रेंचाइजी लेना है, तो सबसे पहला जो है क्राइटेरिया ये है कि आपके एरिया में अमेजोन का कोई भी डिलीवरी पार्टनर नहीं होना चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही होता है किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, ना कि सिर्फ अमेजोन के लिए। ये मैं अभी आपको लैपटॉप पे भी करके दिखाऊंगा, बट पहले मैं बता देता हूँ रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्योंकि वो सारी चीजें लैपटॉप पे अवेलेबल सही से नहीं है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास डिलीवरी के लिए गाड़ी होनी चाहिए, फोर व्हीलर होना चाहिए, साथ में बाइक भी होना चाहिए। फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर, उससे मटेरियल आपको पिकअप करके लाना है अमेजोन का जो वेयर हाउस है वहां से अपने गोडाउन पे, और फिर अपने गोडाउन से आपको डिलीवरी करना है। तो इस कंडीशन में आपके पास एक 400 स्क्वायर फीट का, 450 स्क्वायर फीट का एक गोडाउन होना चाहिए। ऐसे एज पर अमेजोन का रिक्वायरमेंट के अनुसार 150 से 250 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, बट आप एक थोड़ा सा ज्यादा गोडाउन ले लो, क्योंकि वहां पे आपको और भी चीजें रखने में सहायता हो जाएगा। और जितना ज्यादा बड़ा गोडाउन रहेगा आपके लिए किसी भी मटेरियल का पिकअप या डिलीवरी जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो ड्राइवर आपका गाड़ी चलाएगा, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड हो, जरूरी नहीं है कि वो सैलरीड पे हो, आप उसको किसी भी तरह से रख सकते हैं। यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपके गाड़ी जिसपे कि आप मटेरियल को डिलीवर करोगे या मटेरियल को लेकर के जाओगे आओगे, उस पर भी ब्रांडिंग से रिलेटेड कोई भी रोक टोक नहीं है। ब्रांडिंग होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि अमेजोन का डिलीवरी पार्टनर बनने के लिए फी कितना लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि अमेजोन का डिलीवरी पार्टनर बनने के लिए, उसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। किसी भी तरह के कोई लोग आके बोले कि मैं आपको अमेजोन का फ्रेंचाइजी दिला दूंगा, डिलीवरी पार्टनर बना दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, आपको एक रुपये देने की जरूरत नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी इसके लिए काम नहीं करता है। आपको डायरेक्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपको काम मिलेगा तो डायरेक्ट अमेजोन से ही मिलेगा। कोई थर्ड पार्टी इसमें हेल्प आपका नहीं कर सकता है, और ना ही आप किसी थर्ड पार्टी की बात सुनिएगा। अगर कभी कोई बोले कि मैं आपको अमेजोन का डिलीवरी पार्टनर बना सकता हूँ, उसका मैं आपको फ्रेंचाइजी दिला सकता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं सिस्टम पे, लैपटॉप पे देखते हैं स्क्रीन बाय स्क्रीन। ज्यादा कुछ नहीं है, स्क्रीन पे कुछ फील्ड्स है जिसको कि आपको फिलअप करना है, उससे रिलेटेड एक वेरिफिकेशन मेल आता है, उसको आपको अप्रूव करना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन अमेजोन में जाता है, जहां से कि अप्रूवल के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब वहां पे अप्रूवल के दो तरीके हैं, वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। जिस एरिया से आप अप्लाई करना चाहते हो डिलीवरी पार्टनर के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए, अगर उस एरिया में पहले से कोई पार्टनर अवेलेबल है तो आपको उस एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर उस एरिया में फ्रेंचाइजी वाला पहले से अवेलेबल है जो अमेजोन के मटेरियल को डिलीवर कर रहा है या पिकअप कर रहा है, बट उसके पास इतना वॉल्यूम है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, ऐसे कंडीशन में अमेजोन आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, आपको अपना डिलीवरी पार्टनर बना सकता है। अगर आपके एरिया में कोई अमेजोन का पहले से पार्टनर है तो उस आपका एप्लीकेशन को होल्ड पे रखा जाता है। जब कभी वो वहां से छोड़ता है या फिर उसका सर्विस सही नहीं हो पाता है, वो मटेरियल को पिकअप या डिलीवरी टाइमली नहीं कर पाता है, ऐसे कंडीशन में अमेजोन फिर आपसे कॉन्टेक्ट करता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ या होल्ड हुआ है, तो आपको अमेजोन से कभी कॉल नहीं आएगा या मेल नहीं आएगा।
नंबर जो आप उसमें यूज कीजिएगा, मेल जो आप उसमें यूज कीजिएगा उसको हमेशा एक्टिव रखिएगा। हाँ, कभी भी अमेजोन से आपके पास कॉल आ सकता है, अमेजोन आपको अपने सुविधा के अनुसार कॉन्टेक्ट जरूर करता है। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे देखते हैं कि पूरा का पूरा स्टेज क्या है, किस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों आ गए हम अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने खोला है अमेजोन का साइट। ऊपर में आपको लिखना है यहाँ पे logistics.amazon.in। आप ध्यान रखिएगा कॉम मत कीजिएगा, क्योंकि इन जो है ये इंडिया का कोड दर्शाता है, जबकि अमेजोन जो है वो वर्ल्ड वाइड साइट है, तो इसलिए यहाँ पे इन करके ही कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगा आप लोगों को। जैसे ही आप यहाँ पे logistics.amazon.in लिखते हैं ये साइट ओपन होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो आप देख सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, कुछ उसी तरह का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे एक आपको स्क्रीन दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि पिकअप, ड्राइव एंड डिलीवर, जो मैं बताया था कि आपको पिकअप करना है, फिर लेकर के जाना है और उस मटेरियल को डिलीवरी करना है। एक चीज जो मैं स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया था वो था कि आपको मैक्सिमम वेट जो दिया जाएगा किसी भी मटेरियल को डिलीवरी करने का, उसका वेट होगा 25 kg। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्म वाले प्रोसेस पे। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका साइट ओपन होगा जहां पे कि आपको करना पड़ता है क्रिएट। तो यहाँ पे फिर से आपको कुछ डिटेल्स जो है आपको दिखाया जाएगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है ये सारे आपके काम की डिटेल है, इसको पढ़ करके समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको फिर से मैं समझाने लगूंगा थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाएगा और यहाँ पे बोलेगा आपसे कि प्लीज इंटर द सिटीज वेयर यू लाइक टू डिलीवर इवन इफ दे आर नॉट लिस्टेड अबव। तो यहाँ पे आपको डालना है कि आपको कहाँ के लिए चाहिए, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे मानिए लखीसराय बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे हम चाहे तो मल्टीपल भी ले सकते हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं, चाहे तो बाढ़ भी ले सकते हैं, एक ये भी बिहार का ही जगह है, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है बट जगह है, आ नहीं रहा है इसके अंदर। इसके बाद है नवादा, नवादा भी हम ले सकते हैं, ये देखिए बिहार का जगह है, यहाँ पे आ गया नवादा। तो मल्टीपल यहाँ पे ले सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल का, तो मल्टीपल ले सकते हैं। यहाँ पे है नाम्स वगैरह डालना जिससे रिलेटेड आपका बिजनेस होगा, तो हम यहाँ पे डालते हैं आर के ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हम डालते हैं नाम अपना, जो भी नाम रहेगा। ध्यान से देखिएगा ये सारी डिटेल्स को, आप लोग सही से फिल कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, इसी से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूवल के लिए जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी गलती मत कीजिएगा जहाँ तक हो सके। यहाँ पे बताना होता है कि कितने साल से आपका कंपनी का बिजनेस है, तो हम डाल देते हैं 0 to 2 years। व्हीकल अवेलेबिलिटी डेली, कितने गाड़ी अवेलेबल हो जाएगा, तो हम डाल देते हैं 2 to 3। ड्राइवर टाइप, मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि ड्राइवर जो है आपका एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर दोनों तरह का है, तो आप डाल सकते हैं कि आपका दोनों तरह का है। यहाँ पे आप कुछ एडिशनल डिटेल डाल सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में चाहे तो वो आप डाल सकते हैं। इसको करने के बाद आपको करना होता है यहाँ पे सबमिट, तो मैं यहाँ से करता हूँ सबमिट। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिखा रहा है नेक्स्ट स्टेप, वी अप्रिशिएट द टाइम यू टुक टू बिगेन द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द अमेजोन लॉजिस्टिक प्रोग्राम, द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक योर इनबॉक्स एंड वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू द एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब कि आपको अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है, वहाँ पे आपका इससे रिलेटेड एक मेल गया होगा, उस मेल को आपको वैलिडेट करना है। तो हम आ गए हैं दोस्तों अपने मेल पे। मेल पे आप देख रहे होगे यहाँ पे ये मेल आया हुआ है, अमेजोन लॉजिस्टिक प्रोग्राम वेरीफाई योर ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऑन द डिलीवर्ड प्रोवाइडर साइट वेरीफाई दैट यू ऑन द ईमेल एड्रेस कनेक्टेड टू दिस अकाउंट। मतलब कि आपका ही ये अकाउंट है जो उसमें डाला गया है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई करते ही यहाँ पे आ गया आपके पास एक पेज। इस पेज पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वी एक्साइटेड टू वर्क विद यू, प्लीज रिव्यू द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट केयरफुली बिफोर यू प्रोसीड। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब कि जो उसने वेरीफाई के लिए लिंक दिया था हम उसको वेरीफाई किया, अब इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम ये करने के लिए तैयार है। अब क्या करना होता है यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है, हम इसको करते हैं सबमिट। यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ले रहा है।
अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ पे डिटेल्स में ऊपर में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन इज कम्प्लीट, वी विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर वी हैव रिव्यूड योर इन्फॉर्मेशन। जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है उसको सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे, अगर रिव्यू में सब कुछ सही होता है उसके बाद हम आपको बिजनेस के लिए बुलाएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तकरीबन 7 से 10 दिन लगता है इसको अप्रूव करने में, अगर रिक्वायरमेंट उनका होगा तो। अब ये सोच के मत बैठिएगा आप लोग कि आप कॉन्टैक्ट किए हो तो आपके पास वहाँ से कॉल आएगा ही आएगा। जो क्राइटेरिया मैंने वीडियो स्टार्ट करने से स्टार्टिंग में बताया था वही यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। अब जब कुछ जब सारे चीज़ें वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगी तभी अमेजोन से आपके पास कॉल आएगा और आपको दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में यू हैव सक्सेसफुल्ली सबमिटेड योर इन्फॉर्मेशन, जो आपने इन्फॉर्मेशन भेजा है वो सक्सेसफुल्ली हो गया है। अब यहाँ पे जब वो आपके पास भेज देंगे सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा आपका, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे स्टेटस पे बिगेन पे, जहाँ पे कि आपको बताना पड़ता है कि आपके पास कौन कौन से एरिया में आपको काम मिल सकता है, आपको कौन कौन से एरिया में बिजनेस मिल सकता है, कहाँ से आप मटेरियल को डिलीवर कर सकते हो। ये था दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में रेट बीड एसोसिएट्स, ये उसी से रिलेटेड है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, एक बार हम भी देख लेते हैं क्योंकि मैं भी नहीं देखा हूँ। तो रेट बीड पे क्लिक करते हो, रेट बीड पे क्लिक करके एक बार देखते हैं कि रेट्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे है नवादा करके जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे स्टेटस यू नीड टू इंटर रेट फॉर दिस सर्विस एरिया। तो ये जब हमारे पास दोस्तों अप्रूवल हो जाएगा मिल जाएगा, इसके बाद रेट बीड करना होता है कि किस रेट में हमको काम करना है, क्या रेट मिल सकता है। ये देखिए आपका रेट जो होता है किस तरह का होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रेट जो है आपको डालना होता है। हमारे एक व्यूअर हैं जो कि कुछ दिन पहले मेरे पास इसी तरह से रेट बीड के लिए उन्होंने व्हाट्सएप किया था, फिर मैं उनको हेल्प किया था इसमें, तो उनको शायद से अमेजोन का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, वो काम कर रहे हैं। आई थिंक उनका जो काम था वो रायपुर का था। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सिंपल स्टेप में आपने अमेजोन का जो फॉर्म उसको फिलअप किया और आपने इसको सबमिट किया है। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अप्रूवल के लिए, कितने टाइम में वहां से अप्रूवल आता है वो देखिए। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो मेरे तरफ से प्रीकरण कांग्रेचुलेशन कि आपको उसका अप्रूवल मिल चुका है, आप अपना बिजनेस आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।